पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में आज ऐतिहासिक प्रदर्शनी सह संवाद सत्र का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को ऐतिहासिक साहित्यिक व्यक्तियों एवं कृतियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसे पढ़कर छात्र भारत के महान पुरुषों की जीवनी को आत्मसात कर जीवन में उतार सकें। इस अवसर पर लाइब्रेरियन शाइस्ता बेदार ने कहा कि प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, वीर सावरकर, मीर तकी मीर सहित कई महापुरुषों की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में भाग लेकर छात्र भारत के गौरवशाली इतिहास को देखने के बाद खुशी महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कशंस किया कि व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स। राममोहन राय के नाम से सती याद आई, तो सती के साथ और बहुत सी प्रॉब्लम्स याद आई, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उस पर लोग डिस्कशन करना शुरू किया। नजरुल इस्लाम को याद किया, तो एक बंगाली स्टूडेंट था तो उसने कुछ नजरुल इस्लाम की पोएम भी सुनाई और उनके बारे में कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया। एग्जीबिशन किसी भी अगर लाइब्रेरीज में लगता है, जाहिर सी बात है कि एग्जीबिशन से जो नई किताबें आती हैं या जो कदीमी किताब होती हैं उसके मुजाहिरे के लिए होता है, उसको दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो उसे कम से कम जो भी तालिबे इल्म है उनको सिर्फ फ़ायदा होता है,